जितनी भी माताएं यहां बैठी हैं, कृपा करके जितनी भी माएं जिनकी जवान बेटियां हैं, वो इस प्रसंग को जरूर सुने अगर चाहती हैं कि आपकी बेटी का घर बर्बाद ना हो। पति जब खड़ा हो तो पत्नी को बैठे नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी कसम मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे दोष मत देना। श्लोक नंबर 16 रुद्र संहिता पार्वती खंड पढ़ लेना। जिससे भी लड़ना हो वो व्यास जी से जाके लड़ना। इट्स नॉट माय फॉल्ट, मुझे क्यों बुलाया भैया, मैं तो कथा कहने आया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। भैया कुछ हो जाए तो भाई मुझे माफ कर देना। श्लोक नंबर 16 पार्वती खंड में है, हमारा कोई दोष नहीं, हम तो बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम तो बस इसीलिए बोल रहे हैं। अच्छा माताएं बताएं, बोलूं कि न बोलूं, आप कहो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, तुम्हारी से कहो। अब भाई कैंसिल कर रहा है, व्यास जी पे कोई काम नहीं, हम तो इतना भी कह सकते ब्राह्मण आई पार्वती जी को पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताए और चली गई। एक मिनट में पूरा खंड पूरा बोलो बोलो। कही तो कह रही है करी दो, हम तो जय में संतोष मां। अब बोलो सुनाऊं कि नहीं। जो पति के खड़े रहने पर भी पत्नी बैठी रहती है वो पतिव्रता नहीं गिनी जाएगी। जैसे ही पति खड़ा हो तुरंत स्त्री को खड़ा हो जाना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले नहा धो के 16 श्रृंगार करके बैठ जाए। जब मॉर्निंग टी आवे तो पूरा मांग भरी हुई हो, पाउडर लगा हुआ हो, काजल लगा हुआ हो, हल्दी लगी हुई हो और मंगल सूत्र गले में पड़ा हो, चमकीली सी बढ़िया सी साड़ी शरीर पे लगी हुई हो और महाराज हल्का सा घूम आए यहाँ तक बाल वो साड़ी हो और बाल थोड़े भीगे हुए हो, जो गिर रहे हो एक आध बूंद चाय में और एक आध बूंद पति के मुंह पे गिरे, ऐसी व्यवस्था करके आना चाहिए। सियावर रामचंद्र की देवी को। और पति उठे उससे पहले स्नान करके श्रृंगार करके तैयार रहना चाहिए। सुनिए मेरी बात, ऐसे हंसी की बात नहीं है इसमें, आप इस बात को समझिए। ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं? देखो यहां पर कभी भी अलंकार से रहित, अलंकार मतलब जो भी आपके श्रृंगार हैं, कानों के, नाक के, गले के, हाथों के, कमर के, वो जो कौंदरी बौंदरी पहनती हैं, चूड़ियां, पाजेब आदि आदि, जिससे भी आपको अधिक प्रिय है, जिससे देवी की सुंदरता अधिक होती है, पति के उठने से पहले ही उन्हें धारण कर लेना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है। आप पूरा स्टोरी समझेंगे तो आजकल जो एक कांड चल रहा है कि पत्नी के होते हुए भी एक्स्ट्रा अफेयर जो चल रहा है, हंसिएगा नहीं समझिएगा, हंसिएगा नहीं समझिएगा, एक्स्ट्रा अफेयर के कारण ही हमारे घर टूट रहे हैं। सर पे बाल नहीं है, गंजा हो गया फिर भी दूसरे की पत्नी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि खुद की देवी कभी भी है। जो जो लोग चाहते हमारे बच्चों का परिवार न टूटे, उनको ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हम तो सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, मानना तो आप ही को पड़ेगा, न मानना आपकी मर्जी। मां मैना ने कहा कृपा करके सुंदर उपदेश दो, जो एक पतिव्रता स्त्री का सती स्त्री का धर्म है उसका उपदेश मेरी पुत्री के लिए आप करिए। बोल ठीक। और ब्राह्मणी ने बोलना प्रारंभ किया, देवी ने बोलना प्रारंभ किया। गिरजे श्रणो सुप्रीत्या मदवचो धर्म वर्धनम यहा मुद्रानंदकरम श्रणत्वाच सुखप्रदम
धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्य विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनासनी। कहा हे गिरजे तुम ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, मन लगाकर मेरी बात को सुनना। पतिव्रता जो स्त्री होती है वही इस जगत में सबसे बड़ी पवित्रा है। जो पतिव्रता नारी है वही संसार में सबसे धन्य है। समस्त उनकी प्रशंसा करते हैं, समस्त जगह पर वो पूजनीय हैं। वो अपने आप को ही नहीं समस्त लोक को पवित्र करने वाली है। जो पतिव्रता स्त्री है पवित्र है ही, वो अपने अंग संग रहने वाले लोगों को भी पवित्र कर देती है। अरे और की तो क्या बात करें, जो उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करता है बड़े से बड़ा पापी भी उसका दर्शन करके तर जाता है। इतना शुभ फल है उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी के परमेश्वर के समान सेवा करती है वह यहां अनेक भोगों को भोगकर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सुनिएगा, जो इस लोक में अपने पति की मनक्रम वचन से सेवा करती है, उसे भगवान मानती है, उसका उस लोक में भी पति से वियोग नहीं होता। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब आप कहेंगे कि इसके लिए कोई उदाहरण भी है? बोले हाँ है ना, क्या उदाहरण है? पतिव्रता च सावित्री लोपा मुद्रा हरुंधति सांडिल्या सतरूपा न सुया लक्ष्मी स्वधा सती। सावित्री लोपा मुद्रा अरुंधति सांडिल्या शत्रुपा अनसुईया लक्ष्मी सुधा सती संज्ञा आदि श्रद्धा मैना स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रता स्त्री ऐसी हैं जिनको आज भी जगत वंदना करता है।